हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आरके टूल चैनल। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वैक्सीनेटर और सहायक को लेकर के, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ बारीकी को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप पूरी जब नॉलेज लेंगे, पूरी जब समझ पाएंगे, तो आप मतलब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। कहने का मतलब यही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अदर वीडियो की तरह इसको स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि ये आज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ मैं पैड पे लिखा हूँ और इसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। कुछ नियम हैं जो आपको चेंज हुआ है और आपको जानना ज़रूरी है वैक्सीनेटर और सहायक को लेकर के, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्या था, कुछ मेरे पास अपडेट नहीं था, मेरे पास कुछ अपडेट आया नहीं था कि मैं आपको बताऊं, लेकिन अभी मेरे हाथों में आ चुका है और मैंने उसको पैड पे लिख चुका हूं, ताकि मैसेज द्वारा मैं मंगाया हूं एक डॉक्टर साहब से और वो मुझे बताए हैं और मैं इस कागज़ पर लिखा हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आपसे मैं फिर आखिरी बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप पूरा समझ पाएँ और क्लियर जान पाएँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने वैक्सीनेटर और सहायक को लेकर के जो फार्म भरा था, तो वो आपका सिलेक्ट हो गया है। यदि नहीं भी हुआ है तो भी इस वीडियो को देखिएगा, तो भी होने हो, क्या पता भविष्य में हो ही जाए तो भी आपके काम आएगा। अगर हो गया है तो भी उसको देखिएगा। तो देखिए, जैसे जिनका हो गया है, पहले मैं उनके लिए बता देता हूँ कि दोस्तों, आपको यदि काम करते वक्त, जैसे आप वैक्सीनेटर मतलब सुई लगाने जा रहे हैं जानवरों को, और उस समय जानवर यदि आपको मार देता है, आपको चोट लग जाती है, आपके साथ कोई घटना हो जाता है, तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेवारी है। जैसे ये स्वरोजगार योजना के अंतर्गत है, ठीक वैसे ही आपकी सुरक्षा अपने आप को स्वयं करनी है। इसके लिए कोई सरकार या किसी से भी आप कुछ दावा नहीं करेंगे और आपको मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब अपना सुरक्षा आपको खुद रखना है। दूसरी बात यह है कि आपको ये जानना होगा कि मैं कार्य क्षेत्र में, जहाँ तक मुझे एरिया इलाका जहाँ तक मुझे मिला है, जहाँ तक मेरा राउंड है, वहीं तक मैं काम करूँगा, उससे अदरवाइज मैं नहीं जाके करूँगा, नहीं तो फिर आपके ऊपर कुछ कंप्लेन वगैरह हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और भविष्य में किसी प्रकार का मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि ये योजना से कब समाप्ति होगी, कब शुरू होगी, इसके लिए आपको मतलब दावा नहीं कर सकते हैं। ये सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत है, ये कभी भी चलाई जा सकती है, बंद की जा सकती है, इसका कोई आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप समझ जाइएगा। लेकिन हो सकता है, एक चांस है कि मतलब आपको परमानेंट कर दिया जाए, एक चांस है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये सरकार तरफ से कुछ नहीं आया, लेकिन ये हो सकता है कि चांस है कि कहीं हो सकता है कि हो जाए। तो क्या करें यार, बस लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, होए तो ना होए तो, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और सरकार को आपको ये लिख के देना होगा कि मैं इस गांव का निवासी हूं और मैं ये मेरा प्रमाणित कागज़ है, चरित्र प्रमाण पत्र, ये मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ये सरकार को आपको देना होगा, ठीक है, कि मैं यहां का निवासी हूं, ये क्लियर हो गया। और मैं आपको ये एक लास्ट चीज़ है कि ये जो भी इंजेक्शन है, ये साल में 3 बार 4 बार 5 बार भी हो सकता है, 3 या 4 बार तो कन्फर्म है। अगर 1000 पशु हैं तो मान लीजिए 1000 पशु हैं तो एक सुई का अगर 3 रुपये 4 रुपये मिल रहा है आपको, तो 4000 3000 हो जाएगा। अगर 4 बार ऐसे आ गया तो 20000 40000 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके एरिया में 1000 होंगे, 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं पशु, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके इसमें पैसा कमा सकते हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ जिनका नहीं हुआ है। दोस्तों, काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर मेरा नहीं हुआ है, बताइए मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी अपने पशु विभाग में डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए। यार एक बात बताइए, इतने ज़िले हैं, इतने ब्लॉक हैं, एक ग्राम सभा में एक ही वैक्सीनेटर और एक ही सहायक होने मतलब होना है, ठीक है। तो यार डॉक्टर लोग भी क्या करेंगे, एक जगह पर 10-10 20-20 फार्म पड़ चुके हैं, तो वो किसी एक को ही रखेंगे। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आपका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप डॉक्टर से कंफर्म कीजिए जा करके, वहाँ पे वही लोग बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका घर कहीं और है और वहाँ के जो डॉक्टर होंगे वही बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है।
अगर मेरी बातों से सहमत है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट, कोई भी भर्ती नहीं आती है तो मैं आपको बताने की प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।